हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले सबसे सस्ती भाई हमारी होंडा की 160 यूनिकॉर्न के बारे में। जी दोस्तों, 160 सेगमेंट में ये सबसे सस्ती व्हीकल है और आज भी इस बाइक का जो क्रेज़ है वो काफ़ी अच्छा है। इंडियन मार्केट में लोग आज भी इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और पर्सनली दोस्तों मुझे भी होंडा की यूनिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट रह सकता है आपका इस बाइक को लेके, ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप दिवाली के समय खासकर होंडा यूनिकॉर्न लेने की सोच रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रांड न्यू होंडा यूनिकॉर्न के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि ये बाइक आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, होंडा यूनिकॉर्न में कोई वेरिएंट नहीं आता, इस बाइक में एक ही वेरिएंट आता है। ये आपको एक्स रूम प्राइस अराउंड 1,03,706 रुपीस, 1,03,606 रुपए के आसपास की ये आपको एक्स रूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 1,25,000, 1,25,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको बताओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के कम्प्लीट रिव्यू के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इस बाइक में आपको कैसा इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों, होंडा यूनिकॉर्न में इंजन टाइप में 162.7 सीसी का एयर कूल फोर स्ट्रोक एसआई इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बाइक में आपको बताना चाहूंगा 162 सीसी का इंजन है। मैक्सिमम पावर इस बाइक में लगभग 12.73 के आसपास की पीएस पावर है जो कि 7,500 आरपीएम में पावर जनरेट करती है। एंड मैक्सिमम टॉर्क इस बाइक में लगभग 14 के आसपास का नेट इनमिटिंग टॉर्क मिलता है जो कि 5,500 आरपीएम में पावर जनरेट करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पावर तो इतनी कम है, परफॉर्मेंस की कैसे रहेगी? भैया, परफॉर्मेंस इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तब आपको ये चीज़ महसूस होगी। कूलिंग सिस्टम में इस बाइक में आपको एयर कूलिंग इंजन देखने को मिलता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI देखने को मिलता है, जिसे हम होंडा का प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन जिसे कि PGM-FI कहते हैं। इस बाइक में आपको नंबर ऑफ वन सिलेंडर देखने को मिल जाएंगे, साथ में इस बाइक में आपको BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है। इस बाइक की बोर साइज अराउंड 57.3 mm की है, स्ट्रोक साइज अराउंड 63.1 mm की है। इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में क्लच में इस बाइक में वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलते हैं। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू होंडा यूनिकॉर्न 160 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन सा जो इंजन है वो देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है कि भैया होंडा का इंजन है, होंडा मतलब एक जापानीज टेक्नोलॉजी, और जापानीज टेक्नोलॉजी पर भरोसा बहुत रहता है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों इनकी जो क्वालिटी होती है वो आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। खासकर इंजन क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए होंडा का मेरे हिसाब से कोई भी ज़्यादा कंपेरिजन नहीं है। बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों, ये बाइक आपको माइलेज अच्छा खासा निकाल कर देगी, ये आपको अराउंड 50-55 के आसपास का जो माइलेज है निकाल कर देती है। टॉप स्पीड अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप एंड जाती है। 0-100 में इस बाइक को लगभग 16 सेकेंड के आसपास के लगते हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। अब स्पीडोमीटर दोस्तों इस बाइक में आपको काफ़ी बेसिक सा देखने को मिलता है। सबसे पहले बाइक की देख लीजिए, कुछ इस टाइप का की आपको बाइक में देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर देख पा रहे कि बाइक में आप लोगों को फुली एनालॉग स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। भाई, मुझे लगता है कि होंडा वालों को अब इसमें शायद डिजिटल मीटर में थोड़ा सा काम करना चाहिए। स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, साथ में आपको बाइक में फ्यूल गेज देखने को मिलता है। एक छोटा सा स्विच दिया है जिससे कि आप इसके ओडोमीटर को जीरो कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब इस बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। चेसी में इस बाइक में डायमंड टाइप चेसी यूज की गई है। सस्पेंशन में बाइक में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे सस्पेंशन है। रियर में आपको बाइक में स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन आपको बाइक में मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों, इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ अराउंड 2081 mm की है। बाइक की जो ओवरऑल विड्थ अराउंड 756 mm की, 756 mm की। इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट अराउंड 1103 mm की है। बाइक की जो
जो ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 187 एम, बाइक की जो सीट हाइट है अराउंड 798 एम एम की, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.2 से ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। बाइक की जो व्हीलबेस है 1335 mm की है। बाइक का जो कर्व वेट है अराउंड 140 केजी का है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक में अराउंड 13 लीटर के आसपास की आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइट्स के बारे में। अब लाइट्स में भी मुझे लगता है दोस्तों कि इस बाइक में होंडा वालों को थोड़ा सा अपडेट लाना चाहिए। देख पा रहे कि लाइट्स में आप लोगों को बाइक में नॉर्मल हैलोजन लाइट देखने को मिलता है। इन्होंने अभी तक इसमें एलईडी लाइट में काम नहीं किया है। आई थिंक दोस्तों मेरे हिसाब से ये लोगों को एलईडी लाइट में काम करना चाहिए। दोस्तों इस बाइक में आपको बताना चाहूंगा है मेन लाइट हैलोजन है, टनल सिंगल लैंप भी इसमें बल्ब देखने को मिलेंगे। साथ में बाइक में आपको 4Ah की मेंटेनेंस फ्री बैटरी देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग एंड टायर्स के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये ABS है जो कि सिंगल चैनल ABS है। फ्रंट में आप लोगों को टायर साइज 800 का टायर फ्रंट में मिलता है। फ्रंट प्लेट साइज अराउंड 240 mm के आसपास की देखने को मिलती है। रियर में दोस्तों इस बाइक में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और रियर में आपको बाइक में 190 के आसपास के जो टायर साइज है वो देखने को मिल जाते हैं। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू होंडा यूनिकॉर्न का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। दोस्तों आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी नजरों में यूनिकॉर्न काफी अच्छी बाइक है। अगर आप चाहें तो इस बाइक को जरूर ले सकते हैं, बाकी आप जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।